गाइस हैप्पी दिवाली। ये हमारा घर अब बाहर से जो कुछ ऐसा लग रहा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। सो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं दिवाली के लिए वैसे कुछ रेडी नहीं हुई हूँ। मैंने अपना मैक्सी गाउन ही डाल रखा सुबह से, बिकॉज लास्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता कुछ और पहनने में, तो ये सबसे कंफर्टेबल वाली ड्रेस है इसलिए मैंने यही पहन रखा है। वैसे हम लोग शाम को अच्छे से तैयार होंगे अपना पूरा बिछौड़ा पूरा गोल्ड ओल्ड में, पूरा पहाड़ी वाले गेटअप में, पूरा रात को हम लोग तैयार होंगे जब महालक्ष्मी पूजा होगी। और तब तक मैंने कहा यार आज नहीं होती मैं तैयार, इस टाइम इसी में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लग रहा है। अब बाकी में तो मुझे इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो वह आज है 24th और जो मेरी ड्यू डेट है वो 28th की है। तो तक 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 हो रही है। तू मेरे हीर मैं तेरा रांझा, करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनी है। तू मेरी हीर मैं तेरा रांझा, पीता हूँ मैं थोड़ा सा गांजा। और ये रही हमारी सुंदर सुंदर सी माता। इस बार हमने गलोबंद वाली माता ली है, जिन्होंने गलोबंद पहना हुआ है। ये रहा पूरा मंदिर। और ये चौकी मन्नू ने बनाई थी इस बार हमारी। ये रहा हमारा मंदिर। सुबह सुबह हमने लगा के गाने कुछ ऐसे माता के लिए, फुल पहाड़ी वाइब। और यहाँ पे मिस्टर राणा जी नाश्ता कर रहे हैं। आज हमने नाश्ते बनाया है खीर पूरी पिंडी की सब्जी, जो कि मैंने पहले ही खा लिया है क्योंकि मुझे आजकल भूख लग जाती है बहुत ज़्यादा जल्दी। और ये सबसे लेट लाती जो सबसे लेट खा रहे हैं। सुबह हमारे घर में चल रहा है टंकी सफाई करने का अभियान, और मैं अब थोड़ी देर धूप सेकूंगी। बहुत अच्छी धूप आ रही है बाहर, अब तो मैं छाया में बैठी थोड़ी देर में धूप सेकती हूँ। टंकी की सफाई कम लड़ाई ज्यादा चल रही है। मम्मी को आ गया गुस्सा। ये हमारा घर अब बाहर से जो कुछ ऐसा लग रहा है। और मैं तुम्हें दिखाती हूँ अब अंदर से। ये यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है। और ये रहा राणा जी का ऑफिस। और यहाँ से ऊपर जहाँ हम रहते हैं। हटो और ये रही सुंदर सी डेली जो मैंने बनाई इस बार। इस बार मैंने बस यही वाली डेली बनाई, और बाकी के लिए नीचे बैठना था तो नीचे बैठना इस बार मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और ये रहे हमारे सुंदर सुंदर से फूल। और यहाँ पे चिपकाई हमने रंगोली। और इस बार मैंने एक ये किया था, तुलसी बनाई थी जिसमें इस साइड मैंने बनाए थे शिव जी त्रिशूल, इस साइड ओम है और इस साइड भी ओम है और उस साइड स्वास्तिक है। ये रही तुलसी। ये रहा हमारा किचन। ये और मैं दिखा देती हूँ बाहर से हमारी कॉलोनी भी कैसी लग रही है। हमारे सारे पड़ोसी हैप्पी दिवाली। और अंदर से मैं कल सुबह देखूंगी
पान का ये मियां, मेरे को ये वाली मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे कैसी बात करती है, नहीं पसंद है क्यों सर, मेरे को पसंद नहीं। अरे मैं खाली चकरी हूँ। नहीं नहीं मेरे को पसंद नहीं है, कहते मेरे को पसंद नहीं। ये पे बात ही हैप्पी दिवाली। इसके डर के मारे हालत खराब हो रही है। तेरे को किट निकले आए हो सारे बम लेके। असली दिवाली इसी की बन रही है। अब मैंने सीधे वीडियो जो स्टार्ट किया वो किया है शाम से तैयार होने के बाद। दिन में बहुत सारा काम था और हमने पूरा अपना डिनर बना लिया था पूरा अच्छा। उसके बाद हम लोग तैयार हो गए हैं, सब लोग तैयार हो रहे हैं, मतलब अब होगी लक्ष्मी आरती होगी, उसके बाद दिए जलाने सब कुछ करने। तो मैंने इस बार वो नहीं पहना, साड़ी नहीं पहनी इस बार, मैंने कुर्ता डाला बिकॉज कुछ भी फिट नहीं आ रहा है, एक ब्लाउज फिट नहीं आ रहा है मुझे, और बड़े मुश्किल से ये वाला कुर्ता मुझे फिट आ गया था तो मैंने ये कुर्ता डाल लिया। और यहाँ पर है मिस्टर नरेश सिंह राणा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ये भी बिल्कुल कुर्ता उर्ता पहन के रेडी हो गया। और मैंने इस बार सिंपल सा अपना ये मैंने लिया था बट मैंने इसको अभी तक तो पहना नहीं था, वो अच्छा हुआ मैंने इसको फिटिंग भी नहीं कराया। अगर मैंने इसको फिटिंग करा दिया होता तो मुझे अभी ये भी नहीं आता। तो ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ पूरा अपना लुक कि मैंने कैसा क्या पहना है। और मैंने पहना ये सिंपल सा कुर्ता, प्लेन कुर्ता जो कि मैंने अच्छा हुआ फिट नहीं कराया था। और ये मेरी शादी का टाइम दुपट्टा है जो कि इसमें मैच कर रहा है। तो ये है मेरा इस बार का दिवाली लुक बिकॉज इस पेटू में कुछ भी नहीं मिस रहा था। तो मैंने इस बार ऐसा ना बंदा और साल तो हम लोग पूरा तैयार होती मैं अपना पूरी झुंडी उल्लू पहन के पूरा पहाड़ी वाला लुक करके, बट इस बार कुछ भी नहीं था पॉसिबल घुसना। तो ये रहा हमारा दिवाली लुक और अभी आपको सबसे मिला दूँ। हमारे कैमरामैन सदाबहार हमारे कैमरामैन वो अब हमारी खींचेंगे। और ये सुंदर सुंदर सी रंगोली जो कि भाभी ने बनाई इस बार मेरे लिए बिकॉज मैं बैठ नहीं पा रही थी, तो भाभी ने बनाई बहुत ही सुंदर सी रंगोली। और ये रहे मिस्टर नरेश सिंह राणा और ये रही मैं। हमने सारे दिए हुए सब कुछ लगा लिए हैं और तैयार भी हो गए, सब कुछ हो गया, फोटो वोटो भी सब खींच लिए। इस पूरी दिवाली में सबसे जो बुरे हाल हो रहे हैं वो हमारे शेरू सिंह के हो रहे हैं। उसको इतनी डर लग रही है ना, और वो किसी को छोड़ भी नहीं रहा, वो उसको साथ ही लेके घूमना पड़ रहा है हमको। अब फोड़ेंगे हम पटाखे और हमारे पटाखे ये है पॉप पॉप।
हम लोग यही फोड़ते हैं पूरी दिवाली में, और हम सेम दिवाली खेलते हैं और ये पटाखे फोड़ते हैं, जो कि किसको हम भी नहीं करते हैं और हमारा कुत्ता भी नहीं डरता है, बिकॉज हमारा कुत्ता ऑलरेडी बहुत डरा हुआ है। बस कितने सारे हैं हमारा, इतने सारे पापा 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 हमारी कॉलोनी के बच्चा पार्टी की, पटाखे फोड़ रहे हैं सब हमारे घर गेट के सामने और आ गए इतने सारे, और ये आ गए हमारे बच्चा पार्टी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, यस हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। चलो 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 अंदर चलो, शेरू को भी हैप्पी दिवाली। चलो 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 चलो, कोल्ड ड्रिंक पियो, कोल्ड ड्रिंक। तो पिछले साल का बहुत ज़्यादा मजा आता है, हम सबके घर जाते थे दिवाली देखने के लिए, दिवाली की बधाई देने के लिए, मिठाई लेके, बट इस बार उनके नहीं जाना है तो मम्मी गई है, मैं बस ये पटाखे फूटते हुए देख रही हूँ और ये भी बैठी हुई हूँ, सब अपने अपने काम में है। पापा अपने दोस्तों को मिल गए, मम्मी अपने दोस्तों को मिल गई है, नमन अपने दोस्तों के साथ पटाखे फोड़ रहे हैं, और नीरज और मैं खाली हम दोनों बैठे हुए हैं। नीरज शेरू के साथ लगे हुए हैं, बिकॉज शेरू हमारा बहुत ज़्यादा डर रहा है। सो गाइज, अब मैं यही करती हूँ अपने वीडियो का एंड, और ये रही हमारी हैप्पी हैप्पी वाली दिवाली। तो जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शायद नए ब्लॉग में मैं इनके साथ मिलूँगी आपको। तो हैप्पी दिवाली।